अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट TV। मेरठ के लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज की स्थिति बेहद दयनीय व चिंतनीय है, लेकिन जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग बराबर यह दावा करते नहीं थक रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमितों का बेहद संजीदगी से इलाज किया जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। आज शास्त्री नगर एच ब्लॉक स्थित खरबंदा शॉपिंग हब के संचालक व सेंट्रल मार्केट के व्यापारी नेता विनोद अरोड़ा के बीच मोबाइल पर जो बातचीत हुई है, वह मेडिकल कॉलेज की कड़वी सच्चाई के ताबूत में एक और कील है। इधर उधर की बात न कर पहले वही सुनते हैं, देखिए। और बता क्या हाल है? बस यस, यस की वेट कर रहा हूँ मैं। अच्छा। उसके लेटर आते ही मैं तो सुबह से नहा धो के तैयार बैठा हूँ। अच्छा। मैं तो बिल्कुल लेटर वेटर मैंने सब बना लिए, सब आईडी लगा ली अपनी, बस यस के उसकी वेट कर रहा हूँ। और वो है, चलो और बता यहाँ की व्यवस्था कैसी है? बहुत बेकार है। बेकार है, कोई देखने लायक नहीं है। गंदगी फैली है, तो गंदगी फैली हुई है। डॉक्टर कोई आता ही नहीं, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। जब से तू कोई नीचे से सफाई वफाई करने वाले जिस दिन से आया हूँ, उस दिन से दवाई तक नहीं आई। इन्हें एक बार बता दिया कोई आता है तो डॉक्टर वो कहे जी मैं तो डॉक्टर हुई नहीं, मैं तो टेस्टिंग का काम है। दूसरे से कहना होता है जी हम सफाई करने वाले हैं, हमें मेरे से डॉक्टर साहब आएंगे। कोई नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। तीन दिन से एक प्रॉब्लम बता रखी है कि मैंने सांस की दिक्कत हो रही है, तो गोली मिल जाए बस लिख के ले जाते हैं, उसके बाद पता ही नहीं क्या है क्या नहीं। अच्छा, दवाई देने को भी कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। अच्छा। हाँ। और कितने कितने जने हो तुम यहाँ पे? लमसम इस मेरे एरिया के अंदर 35 जने हैं। अच्छा, कितने टॉयलेट है? टॉयलेट 4-5 है। 35 जनों में 4-5 टॉयलेट है? हाँ। और कोई सफाई नहीं है उसके अंदर, कोई सफाई नहीं है। नहीं, तो भी कल तो जब आपने करा था फोन, अभी आ तो उस वजह से वो थोड़ी बहुत सफाई हुई है, नहीं तो फ्रेश ही आ रहा जितने भी है सब गंदे। अच्छा। कोई खाने की व्यवस्था? खाने की व्यवस्था कोई टाइम नहीं है खाने का। अच्छा। कल 11 बजे 11:30 बजे से नाश्ता है, किसी ने दवाई खानी है तो वो कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद अपना नाश्ता जो आ रहा है। अच्छा, कोई नहीं आता, कोई डॉक्टर अंदर नहीं आता? कोई नहीं है। अच्छा जी। हाँ। दवाई क्या दे रहे हैं यहाँ पे? कुछ दे, मैं कह रहा हूँ कोई गोली ही नहीं आ रही। कोई गोली ताकत की कोई दे दे मैं, या किसी को पैरासीटामोल भी दे दे मैं, कोई दवाई नहीं आ रही। अच्छा जी। हाँ जी। वो कहने को कह रहे हैं कि बहुत अच्छा इलाज हो रहा मेडिकल में। कुछ नहीं है सर, बस एक ही काम है इनका, जो पानी से टाइम पे मिल जाता वो बस, और कुछ नहीं। ये तो यहाँ पे मतलब मार रहे हैं और बस बीमारी है, किसी को ये नहीं पता कि किसी को कोरोना है या नहीं है। कल एक बेचारा आया, इतनी जोर की सिर में दर्द हो रहा था, उसे देखने लायक नहीं, उन्होंने आके शीशे वीशे तोड़ने की कोशिश कर दी कि मैं तो यहीं से तोड़ के नीचे कूद जाऊंगा। तो मेरे को जब कुछ दिक्कत नहीं है, मैं सिर का इलाज करने के लिए मुझे कोरोना वार्ड के अंदर भेज दिया। ऊपर वाला लगा रहे तो मेरे साथ अगर कोरोना हो गया तो मैं मर गया तो बच्चों का क्या होगा। एक घंटे तक वो बेचारा परेशान रहा, कोई सुनने वाला नहीं था। कोशिश कर रहे हैं तो दिल्ली शिफ्ट करते हैं, यहाँ तो बेकार है। ठीक है भाई, यहाँ तो टाइम काटने वाली कहानी। ठीक है। इस बातचीत के बाद यह सवाल उठने लाजमी है कि आखिर संक्रमित लोगों को जब सिस्टम दवा व खाना नहीं दे रहा है, तो फिर इन लोगों को वहां कैद क्यों किया जा रहा है? मुल्तान नगर के राकेश शर्मा व उनके बेटे विभांशु वशिष्ठ की मौत भी इस बात की तस्दीक ही करती है कि ऊपर से भले ही सब कुछ सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में मरीजों को देखने वाला कोई नहीं है। गंदगी, खाना व दवाई न मिलने के सवाल दाएं बाएं खड़े नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग मेरठ में तेजी से फैल रहे कोरोना को रोकथाम के लिए कितना गंभीर है, इसको आईना दिखाने वाले तमाम उदाहरण हैं। ताजा उदाहरण यह भी है कि शीश महल के सभासद पंकज गोयल का कल तक भी कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था, जबकि उनके साथ ही रहने वाले उनके भाई विपुल को कोरोना संक्रमित पाया गया है। विपुल के साथ रहने वाले माधोपुरम निवासी गौरव शर्मा, पिलखवा निवासी विशाल गोयल की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है।
विपुल की रिपोर्ट आने में भी कई दिन लगे और काफी मशक्कत के बाद ही उनका टेस्ट हो पाया था। मेरठ के वरिष्ठ अधिवक्ता रामकुमार शर्मा व मेरठ गोड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता ने भी इसे लेकर बेहद नाराजगी जताई है। आइए देखते हैं। कोरोना महामारी से पूरा विश्व को पीड़ित है, पूरा विश्व पीड़ित है और लगातार बीमारी बढ़ भी रही है, ये सही बात है। मेरठ में भी हम इसका खामियाजा भुगत रहे हैं और ये महामारी दिन रात फैलती जा रही है। हमारे मेरठ शहर के अंदर 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी हाल ही में एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता की मृत्यु हुई, उसके बाद आज सूचना आई है कि उनके एक बिल्कुल नौजवान 25 वर्ष की आयु के उम्र के लड़के की मृत्यु हो गई। बीजेपी के भी अच्छे नेताओं में रहे हैं। उससे पहले किराना व्यापारी की मृत्यु हुई, ऐसी कई मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु होना एक अलग इश्यू हो गया, लेकिन मृत्यु का कारण जब पता चलता है कि संवेदनहीनता के चलते, मतलब खामियों के चलते, प्रशासन की खामियों के चलते मृत्यु हो रही है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है इसलिए मृत्यु हो रही है, या उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सकता था इसलिए मृत्यु हो रही है, और ये नाराजगी लगातार व्यक्त करते रहे। वो लड़का दो दिन से, जैसे कि पता चला कि वो कहा कि ये मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये सुविधा दी जाए, वो सुविधा नहीं मिली है। ये भी पता चला है कि उस जो मृतक आजकल लड़का है, उनके पिता डायबिटिक मरीज थे, उनको 20 घंटे तक कोई खान पान व्यवस्था नहीं करी गई, इसलिए मृत्यु हो रही है। तो क्या हमको ये नहीं मानना चाहिए कि इसमें प्रशासन जिम्मेदार है, या प्रशासन की जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? क्या प्रशासन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं होना चाहिए? मेरा डीएम साहब से निवेदन है कि हमारे मेरठ शहर में सुभारती के अलावा और बहुत बहुत अच्छे अस्पताल और बहुत ही अच्छे अच्छे होनहार हमारे शहर में डॉक्टर हैं। आपसे निवेदन है कि इस कोरोना बीमारी का इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम अस्पतालों में भी शुरू करने की कृपा करें। इस शहर को डीएम साहब बचा लो, आपका नाम इतिहास में रहेगा। धन्यवाद। खरबदार शॉपिंग हब के मालिक से हुई बातचीत के ऑडियो पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया की है। वहीं संयुक्त व्यापार संघ के एक गुट के अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने कहा कि यह ऑडियो मौजूदा व्यवस्था पर करारा दंज है, इस व्यवस्था में सुधार लाना बेहद जरूरी है। एकदम बहुत तेजी से पिछले कुछ दिनों में लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है, उसी में कुछ व्यापारी भी इसकी गिरफ्त में आए हैं, जिनमें शास्त्री नगर के एक व्यापारी खरबंदा जी भी आए हैं। और आज एक ऑडियो एक जारी किया गया जो मुझे भेजा गया, मैंने सुना है। मैं संयुक्त व्यापार संघ के अध्यक्ष के नाते अगर जो बात मेरे व्यापारी ने वहाँ अंदर से कही है वो सत्य है तो मैं इसकी बहुत कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ, और जिला प्रशासन, शासन और मेडिकल कॉलेज के तमाम प्रशासन से मैं ये मांग करता हूँ कि वहाँ व्यवस्था में सुधार हो, ताकि पीड़ितों को शीघ्र से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले। और जिस तरीके की बात उसमें कही गई है, सफाई व्यवस्था, पीने का पानी, खाना सब सुनिश्चित किया जाए और महाबीमारों का विश्वास जीतने का काम जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम करे, ऐसा मेरा मानना है। आज इस खबर में बस इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, क्योंकि यहाँ तो अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।